हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज देखिए, हम बनाने जा रहे हैं पालक के पकौड़े। उसके लिए हम आधा किलो पालक लिए हैं और दो आलू लिए हैं और दो तीन चार प्याज ले लीजिए। आप जैसा क्वांटिटी उसी अनुसार से लीजिए। और हरी मिर्चें ले लीजिए थोड़ी सी, तब चार पाँच छः ऐसी, जिस जैसे आप तीखा खाना चाहते हैं, प्रेफर करते हो। और फिर आलू को छील के छोटे छोटे टुकड़े काट दीजिए, पालक के भी छोटे छोटे टुकड़े काट दीजिए और हरी मिर्ची भी छोटे छोटे टुकड़े। और प्याज के स्लाइस जो होने चाहिए ना, वो छोटे छोटे नहीं होने चाहिए, लंबे लंबे होने चाहिए। और बड़े प्याज हैं तो आप उस तरह से भी डाल के बना सकते हैं, लेकिन लंबे लंबे स्लाइस करना, काफ़ी ही टेस्टी लगेगा। तो आज हम हमारे घर में गेस्ट आ रहे थे, तो हम सोचे कि उनको पालक के पकौड़े खिलाते हैं, तो हमने कुछ आज अलग तरीके से बनाया है। तो देखिए, हम इसके मसाले के लिए तवा पे थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा सा धनिया डालेंगे, साबुत धनिया। और आप, मेरे पास काली मिर्च उस समय थी नहीं, तो मैंने नहीं रोस्ट किया था, पाउडर डाल दिया था। आपके पास है तो आप डाल दो। और फिर इसको थोड़ा सा भूनने के बाद आप इसको ना खल में ऐसे ही दरदरा कूट लो। और उसके बाद अब हम पालक का वो बना रहे हैं सलरी। तो उसके लिए मुझे चाहिए बेसन एक कटोरी। आपके पास अगर ज़्यादा पालक का बना रहे हो तो उस अनुसार से आप पालक बेसन ले सकते हो, और क्वांटिटी अगर कम हो जाए तो फिर आप ऊपर से भी ले सकते हो। तो मैंने देखिए उसमें हल्दी पाउडर डाला है और उस बेसन में, और उसके बाद मिर्ची डाल देंगे। तो आप जितना खाते हैं, प्रेफर करते हो उतना ही डालिए, अगर आप नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैंने फिर मिर्ची पाउडर डाला है एक चम्मच, छोटी चम्मच से। और फिर उसके अंदर फिर हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, जितना मतलब हो। पालक में तो थोड़ा अंदाजा से ही डालते हैं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो उसके बाद ज़्यादा हो जाता तो ठीक नहीं लगता। और एक पिंच हम ना खाने वाला सोडा डाले हैं। और उसके बाद फिर हम इसमें जो खल में कूटे थे ना मसाले, जो अभी रोस्ट किए थे, वो डाल देंगे सारा। और फिर इसमें उसके बाद हम ना थोड़ी क्वांटिटी में, जितने थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम पालक भी डालेंगे, पालक में पानी छोड़ता है, तो हम थोड़ा ही सा इसमें ना पानी मिलाएंगे। और इस बेसन को ना फिर वो उसको काफ़ी उसको हाथ से ना चलाएंगे, चम्मच ले लीजिए उससे, चाहे कुछ भी, जो भी आपको जिस तरह से आपको हो, उसको फूड फेंटना है काफ़ी आपको। फेंटने के बाद आप देखिए, मैं सारा प्याज वगैरह जितना है, पालक वगैरह, उसके अंदर डाल रही हूँ कटे कटे हुए। और फिर उसको हाथ से अच्छा से मिलाएंगे। और मिलाने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में तेल गर्म कर लिया, सरसों के तेल। और फिर मैं इसमें छोटे छोटे पालक के पकौड़े डालूंगी। तो आप ना इसको गोल, जिस तरह से होती है इस तरह से डालिए ना कि चित्रा भी जाए। और ये आपने तो खाने वाला जो सोडा डाला है उससे ना ये बहुत अच्छा फूलता है। तो मैंने एक चीज़ किया था कि मैं थोड़ा पहले नमक डाल दी थी। अब बनाने के समय नमक डालो, नहीं तो ये क्या होता है ना कि पालक मुलायम हो जाता है, नमक थोड़ा पानी छोड़ देता है। और ना आप ना जो आँच है, फ्लेम जो गैस का हो, वो आप हाई रखिएगा। आप जहाँ लो फ्लेम रखेंगे, ये पालक के पकोड़े में तेल ज़्यादा ही अब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब ज़्यादा पी लेगा तेल। तो आप फ्लेम को हाई रखिएगा तो ये पकोड़े बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा जल रहा है, थोड़ा ज़्यादा वो तेज ज़्यादा हो गया, तो आप उस अनुसार से कर सकते हैं, लेकिन हाई फ्लेम पे ही ये पकौड़े तलते हैं। लो फ्लेम करने से इसमें ना तेल ज़्यादा वो हो जाता है। तो आप उसी तरह से इस पालक के पकौड़े बनाओ। और सच बताइए फ्रेंड, इतने अच्छे बने थे, मैं इस बार इस तरह से बनाई थी, बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और इसको आप हरी चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी, या आप रेड चटनी के साथ भी खाइए, जिसको जैसा पसंद है। लेकिन हरी चटनी के साथ ये काफ़ी टेस्टी लगती है और ये बहुत अच्छे लगते हैं। आप पालक तो हमारे फ़ायदा भी करता है, लेकिन अगर अजी रोस्ट नहीं करता है तो आप तवे पे भी बना के खा सकते हैं इसको, चावल वावल के साथ या चाय के साथ, ये बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी बहुत बेहतरीन बनता है पालक के पकौड़े। तो आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे और बहुत स्वाद लगेंगे। तो फिर मैंने इसको देखिए धीमी आंच पे काफ़ी देर तक ये पकता है, और पकने में टाइम लगता है इसके, और काफ़ी क्रिस्पी बनती है और टेस्टी भी लगती है। तो आप इस तरह से बनाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए अभी मैं अभी इसको तल ही रही हूँ, और जब ये तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मैंने इसको तल वल के फिर रेडी कर दिया है। तो जब रेडी हो जाए तो आप इसको सर्व कर लीजिए, और चटनी और उसके साथ सर्व कीजिए। तो अभी तो मैं बना रही हूँ,
तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से तला है इसको, पकौड़ों को। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे चैनल देखने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जब ये पकौड़े तैयार हो जाएंगे तो आप फिर इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, टाइम तो लगता है बनाने में, काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी कभी मैं इस आँच को धीमी भी कर लेती थी और कभी तेज भी फ्लेम कर लेती थी। तो देखिए, अब इसको हम निकाल रहे हैं, तो हमने पकौड़ों को फिर एक